अब सोना चांदी जहां से प्रकट हुआ है समुद्र मंथन से, तो जब आप सागर से दिया हम लोगों ने, अब चलते हैं प्यारा सा गीत, बिल्कुल ऐसा गीत जो आपको लगे कि हाँ गीत है, क्योंकि हम लोग ज्यादा साहित्य में नहीं, जो आप लोगों को समझ में आए उन चीजों का आदान प्रदान करें तो अच्छी बात है। सुनिए, एक तो कलाकार कंफ्यूज हो जाता है, वो गाने के लिए कुछ खड़ा हुआ है लेकिन अब बीच में कोई ये कहने लगे नहीं वो नहीं ये वाला सुनाओ, अब वो दुविधा के चौराहे पे खड़ा है क्या सुनाऊं। इसलिए हम लोग जो सुनाएंगे आपको अच्छा ही सुनाएंगे, प्रयास भर सुनेगा। अरे कितना सुंदर सपना अपना, सभी लोग जान गए, कन्हैया लाल का जन्म हो गया ये सभी लोग जान गए, लेकिन कन्हैया लाल द्वापर में अवतरित हुए थे, आज ये कलयुग आ गया, कलयुग के ऊपर भी जाने कितने दल आ चुके हैं, लेकिन आज अगर कलयुग में यशोदा जी कन्हैया को बुलाएं तो माजरा क्या होगा। भैया भौजी भैया, अगर कलयुग में कन्हैया को बुलाया जाए तो आखिर कन्हैया के ऊपर क्या बीतेगी ये सुनिएगा। एक भक्त कह रहा है प्रभु द्वापर में आए तो ठीक है लेकिन अब इस कलयुग में नहीं आना। कलयुग में ना आना ओ किसन कन्हैया, कलयुग में ना आना ओ किसन कन्हैया, बलदाऊ जी के भैया हो, क्योंकि प्रभु द्वापर की बातें छोड़ो, ये द्वापर की बातें छोड़ो, ये कल की समय कलयुग में ना जो आज बहुत कम लोगों के घर में पाई जाती हैं। देखिए वो चीजें कौन सी हैं? कौन से? कि नंद के घर में गाय नहीं, अब पले विदेशी कुत्ते हैं। अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोगों के घर में जाइए, लखनऊ कानपुर महानगर भोपाल जैसे सिटियों में जाइए तो 10x20 के प्लाट हैं, उसमें गाय नहीं मिलेगी लेकिन मारुतियों में कुत्ते जरूर मिलेंगे। क्या बात बेटे, तो नंद के घर में गाय नहीं अब पले पिले सी कुत्ते हैं, तो बंसी पटकी डाल डाल पे मधुमक्खी के छत्ते माखन और दही खाने वाले हैं, लेकिन इस कलयुग में
लेना होगा हाथ को लाल लेना होगा होगा। अब आप चाहो माखन मिश्री मिल जाए शहरों में, छोले भटूरे खाना माखन मिश्री के देखने को मिलता है। हालांकि गांव में अभी ऐसी बात नहीं है, सुनिएगा। अरे वो आजादी नहीं मिलेगी आज तुम्हें बरसाने में, अरे रोक लगेगी बालाओं का दही लूट कर खाने में। एक और रोक है, अब तो लॉकडाउन चल रहा है प्रभु, आना भी तो मास्क लगा के आना। भगवान से निवेदन है आना भी तो मास्क लगा के आना, क्योंकि ये लॉकडाउन चल रहा है प्रभु। सुनिएगा, अर्ध रात्रि में मधुवन में अरे गोपी संग रास रचाने में, ये पुलिस प्रशासन पकड़ आपको ले जाएगी थाने में। चीर चुराते रहे और चीर बढ़ाते रहे तो कोई 102 नंबर डायल कर देगा और आपको जेल जाना पड़ेगा। इसलिए प्रभु जब आप अगर जेल चले गए तो यशोदा मैया देवी अटैची भर भर के रुपैया साड़ी कढ़ाई थी, लेकिन ये कलयुग है प्रभु। साड़ी नहीं द्रौपदी की आ जाना जींस पढ़ाने को, क्योंकि अब तो जींस चल रहा है। ये साड़ी नहीं द्रौपदी की आ जाना जींस पढ़ाने को। दिल्ली जैसे बड़े शहरों में मैं तो यही नहीं पहचान पाता कि ये मिस्टर है या मिसेज। एक से बाल न मिसिज की मूछे न मिस्टर की मूछे, एक सा कद, दोनों पैंट शर्ट पहने हैं, समझ में नहीं आता ये लेडीज है या जेंट्स है। इसलिए प्रभु साड़ी नहीं द्रौपदी की आ जाना जींस बढ़ाने को, अर्जुन के रथ के बदले मारुति कार चलाने को। अर्जुन का रथ भी नहीं मिलेगा, कार चलानी होगी। तो कलयुग में यदि किसी सुदामा के चावल खा जाओगे, अरे वो तो राज करेगा लेकिन तुम फुटपाथों पे आ जाओगे। आप उसे कुछ नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आज के युग के आदमी का पेट इतना बड़ा हो चुका है, इतना पेट बड़ा हो चुका है कि तुम सब कुछ दे दो फिर भी उसकी इच्छाएं तृष्णा कभी पूर्ण नहीं हो सकती। इसलिए हे प्रभु इलू इलू गाना भैया।
अपनी सोच थी, नास्तिक भक्त थी। कलयुग में कुछ भक्त ऐसे, अरे अभी कुछ भक्त तो ऐसे भी पड़े हैं जो अभी यही नहीं मानते कि राम और श्याम थे, वो केवल मानते हैं बस समझदार बैठे हैं वो नहीं मानते। अच्छा लगा हो तो मैं आशीर्वाद चाहूंगा। हम लोग दूर नहीं जाते। गाना एक आया बहुत बढ़िया, जिंदा है तो हिंदुस्तान तेरा है। क्यों तेरा है? क्यों? बूढ़ा बच्चा जवान लड़ेगा। बिल्कुल बड़े भैया, आदर प्रशांत भैया। बूढ़ा बच्चा जवान लड़ेगा, बूढ़ा बच्चा जवान लड़ेगा, ईमान बूढ़ा बच्चा जवान लड़ेगा, वक्त पड़ जाए तो हिंदुस्तान लड़ेगा। ये जान ले पाक तू जरा, हिंदू से पहले मुसलमान लड़ेगा। कहते हैं क्या कि तूफान को देख के ईमान रो पड़े, फूल को देख के गुलिस्तान रो पड़े। ऐसी फिजा बनाई है मेरे देश के वासियों कि हिंदू का घर जले तो मुसलमान रो पड़े। बहुत अच्छे बेटे, शाबाश। अरे कितना सुंदर जीवन अपना जीवन होगा। गाता है एक चुटकुला सुना देते हैं। नारायण जी चले गए और सुनो भैया कांगे वो हमारे बच्चा है, चुटकुला सुना दे। सुने जो बात कर रही है बहन जी, इधर सुनिए, सुन लीजिए। एक रिक्शे वाला अपनी पत्नी से कहता है दो रुपए दो तो काम हो जाए। पत्नी कहती दो रुपए क्या करोगे बताओ, वो तो चलते भी नहीं है। बोले नहीं नहीं, तब की बात बता रहे, जब चलते पुरानी बात पुरानी है। बोले दो रुपए दो तो काम हो जाए। बोले क्या करोगे? बोले लॉटरी खरीदे। ओहो धन लक्ष्मी अगर लग जाएगी तो
बहुत सारा पैसा आ जाएगा, सुनिएगा मजा आ जाएगा, पैसा आ जाएगा। तो पत्नी बोली अगर पैसा आएगा तो क्या करोगे? तो पति कहने लगा सुनो सुनो, जब मेरे पास पैसा आ जाएगा, समझते रहिए, तेरे सुनहरे बालों को देखा जैसे चाचा जी। तो वो कह रहा अपनी पत्नी से अगर पैसा आएगा, तेरे सुनहरे बालों को देखा जैसे कटवाऊंगा, तेरे सुनहरे बालों को देखा जैसे कटवाऊंगा, 3 पीस पहन के मैं अमिताभ बच्चन बन जाऊंगा। बोले मैं 3 पीस पहन के अमिताभ बच्चन बन जाऊंगा। और उस बंदे का नाम था लल्लू भैया। लल्लू भैया बड़े सुतीली है, जाएंगे मोदी जी। तेरे सुनहरे बालों को देखा जैसे कटवाऊंगा, 3 पीस पहन के मरे अमिताभ बच्चन बन जाऊंगा। पत्नी बोली अच्छा अमिताभ बच्चन बनोगे? पत्नी कह रही था सुनो, अरे 3 पीस पहन के तू अमिताभ बच्चन बन जाएगा। बेटा लियो और का? क्या बात है, महत्वपूर्ण आशीर्वाद है बेटे। हमारी तो दूर अच्छा, हम सोच रहे थे हल्लू भैया हमें लग रहे हैं, और फिर बाद में एकदम समझ में आ गया हल्लू भैया है। अरे हमें तो दिखाई नहीं पड़ा, दूर की नजर कमजोर। धन है हमारे प्रशांत भैया और बड़े भैया जो यहाँ कार्यक्रम के लिए बुला लिया। और सही माने 1.5 साल प्रशांत भैया जागरण छोड़े हो गया, हमको मार्केट में आया 1.5 साल हुआ, मैंने जागरण छोड़ दिया, हल्लू भैया से मुलाकात नहीं हुई और आना जाना यहाँ हुआ नहीं। आज बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का, कार्यक्रम यहाँ लग गया, हल्लू भैया हमें मिल गए, बहुत बहुत धन्यवाद। हल्लू भैया सुनेगा करो, तुम अकेले बजा लो, हम लोग को घर जाने। हल्लू भैया उसका नाम था लल्लू भैया। सुनेगा अरे तेरे सुनहरे बालों को रेखा जैसे कटवाऊंगा, 3 पीस पहन के मैं अमिताभ बच्चन बन जाऊंगा। तो बोलिए अच्छा तुम अमिताभ बच्चन बनोगे? 3 पीस पहन के तू, अब वो रिक्शे वाला है, अरे 3 पीस पहन के तू अमिताभ बच्चन बन जाएगा। बोलो फिर ऐ लल्लू बच्चन ये रिक्शा कौन से कमाया जो वही धन होगा, रिक्शे से कमाया जो वही धन होगा।
कलयुग में तुम ना आना, ये लोग हैं ऐसे लोग हैं, आप कलयुग में मत आना। तभी लॉकडाउन चल रहा है। और सही है। अब मैं कहता हूँ कि हर साल कान्हा को बुलाया जाता है, यहाँ भी प्रशांत भैया सब लोगों ने मिलजुल कर कन्हैया को बुलाया है, तो मैं कहूँगा कन्हैया तुमको आना होगा, आना होगा, तुमको आना होगा, और यहाँ इस भारत के जो कष्ट है वो तुमको मिटाना होगा। क्या बात है। और देखिए क्या क्या कष्ट है, गीत को सुनेगा भैया, देखिए क्या क्या कष्ट है तुम्हें मिटाना होगा, जवाब सुनेगा मित्र भैया। ढोलक वाला नहीं आया। कहने ज्ञान गीता का गाना होगा, समझते रहिए। आप एक कलाकार हैं और इस चीज को आप समझेंगे, हमारे प्रशांत भैया जो भैया बैठे हैं ये लोग समझेंगे, अब जो लोग हैं वो समझेंगे बिल्कुल कि आखिर कान्हा क्यों आना होगा। अरे गौ हत्यारों के हाथों कब, गौ हत्यारों के हाथों कब तक गुम्बद करवाओगे, छोटे भी। अरे गौ हत्यारों के हाथों कब तक गोमत करवाओगे, अरे गौवे बचना पाएंगी गोविंद अगर ना आओगे, वाह, तो गौओं का संकट मिटाना हो, गौओं का संकट मिटाना होगा, और गोविंद भारत में आना होगा। आखिरी बात कहूंगा, अरे गांव गांव गलियों गलियों में छली जो नारी जाएगी, कब तक नारियां छली जाएंगी, बहुत बढ़िया बढ़िया हाथ लगा। अरे गांव गांव गलियों गलियों में अरे छली जो कन्हैया तुम्हारी लाज जाएगी, अरे गिरधारी कर लाज लुटी तो लाज तुम्हारी जाएगी, तो गिरधारी
सारी सारी